हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। तो आइए पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक इसमें रखे गए हैं और कौन से टॉपिक जो है वो निकाल दिए गए हैं। तो देखिए, हमारे बुक में पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन रखा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डिबेंचर रखा गया है। डिबेंचर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो इतने टॉपिक जो हैं, टॉपिक नंबर 1, 2, 5, 9 एंड 10, ये सारे टॉपिक्स रखे गए हैं। और कौन कौन से टॉपिक जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं या फिर निकाल दिए गए हैं, सो ये सारे टॉपिक नंबर 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 निकाल दिया गया है। ये गुजराती वाले पॉइंट्स को आप इग्नोर कीजिए, हमारी बुक में ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंड इलस्ट्रेशन 5 to 7, 8 to 11 and 18 to 24 एंड फ्रॉम एक्सरसाइज 11 to 14 and 19 to 29 आर एग्जेम्प्टेड, मतलब वो करंट ईयर के सिलेबस में नहीं है। तो देखिए, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो है डिबेंचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिबेंचर? सो डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट दैट कन्फर्म्स द डेप्ट ऑफ कंपनी, ओके। सो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कन्फर्म्स द डेप्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेप्ट। इज दैट क्लियर? देखो, जो शेयर्स होते हैं ना और डिबेंचर होते हैं, इश्यू प्रोसीजर दोनों की सेम है, लेकिन शेयर जो है वो ओनर्स फंड है, डिबेंचर जो है वो कौन सा फंड माना जाएगा? वो है बोरोड फंड, ठीक है। क्यों बोरोड फंड? बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक टाइम डिबेंचर के पैसे रिटर्न करने होते हैं, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू द डिबेंचर्स ये रीड कर लीजिए। इसमें से बहुत सारे वन लाइनर्स बनते हैं, जैसे कि डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द मनी लेंड और गिवन एज अ लोन टू द कंपनी, मीन्स इट इज अ बोरोड मनी। डिबेंचर इज अ सिक्योरिटी दैट बेयर्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी पे करती है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल एट अ फिक्स रेट और डिबेंचर के नाम होते हैं जैसे 8%, तो 8% डिबेंचर कहा जाएगा उसे, ठीक है। तो डिबेंचर के नेम 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, इस तरह से डिबेंचर के नाम होते हैं। डिबेंचर इज इश्यूड फॉर द फिक्स्ड टर्म, द मनी बोरोड अगेंस्ट सच डिबेंचर इज रिपेड एट द एंड ऑफ फिक्स टर्म, ठीक है। मतलब एक जैसे 10 साल के लिए इशू किया है डिबेंचर या 5 साल के लिए इशू किया है, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर डिबेंचर के पैसे जो है वो रिटर्न किए जाते हैं। आगे, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी अलाउड टू इशू डिबेंचर हैविंग अ मैच्योरिटी डेट मोर देन 10 ईयर। कि कोई भी कंपनी 10 साल से ज़्यादा टाइम का डिबेंचर नहीं इशू कर सकती, सिर्फ दो कंपनियां कर सक एक कंपनी कर सकती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती हो। किसके? इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना या फिर डैम बनाना, क्योंकि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो है कभी कभी पूरा होने में भी 5-6 साल लग जाते हैं अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो। सो इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग कंपनीज कैन इशू डिबेंचर मैक्सिमम ऑफ 30 ईयर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, डिबेंचर कैन बी इश्यूड विद और विदाउट चार्ज ऑन असेट। अब चार्ज ऑन असेट क्या होता है? तो कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी अपने एसेट्स मोर्डगेज रखवाती है, कि अगर कंपनी कभी लिक्विडेशन पे जाती है तो उन असेट को सेल करके सबसे पहले डिबेंचर होल्डर के पैसे रिटर्न किए जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑन एसेट, ओके। यूजली डिबेंचर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इसकी खरीदी और बिक्री की जा सकती है। कहाँ से? तो स्टॉक एक्सचेंज से, ऑनलाइन इसे परचेज किया जा सकता है। इफ द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर सो प्रोवाइडेड द डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अगर इश्यू करते टाइम कंपनी ने कहा हो कि रिडम्पशन के टाइम पे हम उसे शेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो कर सकती है, ठीक है। डिबेंचर्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये पूछा जाता है एग्जाम में, वेयर डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। सो डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नाउ डिबेंचर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, ठीक है, बिकॉज इट इज अ बोरोड कैपिटल नॉट ओनर्स फंड। डिबेंचर कैन नॉट बी फोरफिटेड इफ एनी डिबेंचर होल्डर डज नॉट पे एनी अमाउंट ऑन डिबेंचर। कहने का ये मतलब है कि अगर कभी डिबेंचर
के पैसे कोई डिबेंचर होल्डर नहीं भर पा रहा है, अगर इंस्टॉलमेंट में मंगाए गए हैं और डिबेंचर होल्डर नहीं भर पा रहा है, तो उसके डिबेंचर्स फोरफिट नहीं किए जा सकते. ओके, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी डिबेंचर्स होल्डर आर रीपेड देयर मनी बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर. मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देने से पहले डिबेंचर के पैसे जो है वो रिटर्न दिए जाते हैं. नाउ अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर. तो इशू किस तरह से किया जाता है, जिस तरह शेयर कैपिटल में हम इशू करते थे बिल्कुल वैसा ही. जब हमें डिबेंचर के पैसे मिलते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. और अगर पूरे पैसे फुल अमाउंट एक साथ मिल रहे हैं तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. और लास्ट में मतलब सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्लैंक परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट. ये स्टार्टिंग की दो एंट्री होती है मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे. बोलिए समझ में आ गया, आगे चले. जैसे कि एक एग्जांपल है, देखिए फॉर एग्जांपल अ कंपनी इशूड 8,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच. द फुल अमाउंट ऑन डिबेंचर वॉज कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशन. तो 100 रुपीज हमें मिले, 8,000 × 100, 8 lakh. सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 8 lakh रुपीज टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8 lakh रुपीज. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. सेकेंड एंट्री दिस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वुड बी ट्रांसफर टू द डिबेंचर अकाउंट. सो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट 8 lakh रुपीज. होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो दिस टू एंट्रीज आर पास्ड वेन डिबेंचर्स आर इश्यूड विद फुल अमाउंट. अगर मान लो कि डिबेंचर के पैसे जो हैं वो इंस्टॉलमेंट में मंगाए, तो इंस्टॉलमेंट कैसा होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल. तो अगर एप्लीकेशन के टाइम है तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर अकाउंट. और अगर अलॉटमेंट के बाद आता है एप्लीकेशन के बाद आता है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के टाइम पर आएगा 9% डिबेंचर. यहाँ पर एक्चुअली ये पैसे रिटर्न की एंट्री है, जाना दो इसको, इसे इग्नोर कीजिए. 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. और फिर बाद में वो पैसे मिलेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. बोलिए क्लियर है. ओके, ये दोनों ही एंट्री अभी निकाल दीजिए, जब आएगा सम तो मैं बता दूंगा. चलो डायरेक्टली सम देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा. देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रहा है. अशोक मिल्स लिमिटेड इशूड 8,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन. इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑन डिबेंचर. द अमाउंट वर कॉल्ड अप पर डिबेंचर एज अंडर. देखो एप्लीकेशन के टाइम पे 30 रुपीज़, अलॉटमेंट के टाइम पे 40 रुपीज़ और कॉल के टाइम पे 30 रुपीज़. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर 10,000 डिबेंचर. देखो इशू कितना किया है, 8,000. एप्लीकेशन कितने मिले हैं, 10,000. 2,000 वापस देने हैं. आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ 8,000 डिबेंचर्स, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ 8,000 डिबेंचर रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ डिबेंचर्स एंड रिफंडेड द मनी टू एप्लीकेंट्स. ऑल द अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड. राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी. तो सबसे पहली जर्नल एंट्री कौन सी लिखी जाएगी, तो ये एप्लीकेशन की लिखी जाएगी. किसकी, एप्लीकेशन की. कितने एप्लीकेशन मिले, तो 10,000. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट. देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. 10,000 इंटू एप्लीकेशन के टाइम पे मंगाए गए हैं 30 रुपीज़. सो 10,000 इंटू 3 lakh रुपीज़. ओके, सेकेंड एंट्री दिस एप्लीकेशन अमाउंट वुड बी ट्रांसफर टू द डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू एंड इश्यूड डिबेंचर. सो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 lakh टू 8% डिबेंचर अकाउंट. यहाँ पर जितना इशू किया उतना ही आएगा. तो हमने इशू कितना किया है, 8,000 इंटू 30 2,40,000. रिमेनिंग एप्लीकेशन वो रिजेक्टेड, मतलब पैसे वापस. सो टू बैंक अकाउंट 20,000 इंटू 30 60,000. सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट फॉर द राइटिंग ऑफ इश्यू एंट्री फॉर द एप्लीकेशन. नाउ विथ अलॉटमेंट
40 rupees. अब कितने पे काउंट होगा? सो 8000 पे. क्यों? क्योंकि 2000 तो हमने रिटर्न कर दिया है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो 8000 × 40, तो देखिए यहाँ पर एंट्री होगी 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट 3,20,000, 3,20,000. अब पैसे मिलेंगे, तो पैसे किस किस चीज़ के मिल रहे हैं आपको? अलॉटमेंट के. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3,20,000. ये हो गई अलॉटमेंट की एंट्री. अब बचा कॉल. तो कॉल के टाइम पे पूरे पूरे मंगाए गए हैं 30 rupees. ओके, सो देखो जैसी ये एंट्री थी ना, बिल्कुल वैसी ही एंट्री होगी, बस यहाँ अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा? कॉल, है ना. देखिए 8% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू 8% डिबेंचर अकाउंट 2,40,000. द लास्ट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द कंपनी. सो बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू 8% डिबेंचर अकाउंट 2,40,000. नाउ इश्यू ऑफ प्रीमियम. प्रीमियम का मतलब होता है पैसा ज़्यादा लेना. जैसे 100 रुपये का डिबेंचर है, 20 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है, तो टोटल हो गया 120, है ना. तो 20 rupees वॉट यू आर चार्जिंग एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम. तो प्रीमियम की इफेक्ट आपको ऑलरेडी पता है, शेयर्स कैपिटल में आपने देखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक सम देखिए ज़्यादा समझ में आएगा. प्रीमियम के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. क्लियर? देखिए अगर मान लो कि पूरे पूरे पैसा एक साथ मंगाए जाए, तो ये एग्जाम्पल देखिए आपको आइडिया आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी इश्यूड 6000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब 120 रुपये हुए पर डिबेंचर. द फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर वॉज कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशन. पूरे पैसे एक साथ मंगाए ऑन द डिबेंचर्स एंड द सेम वॉज रिसीव्ड. द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी विल बी एज अंडर. फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने इशू किए? 6000. सो 6000 मल्टीप्लाई 120, 12 6 72, 7,20,000. सो दिस इज 7,20,000. यू कैन सी 2 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 7,20,000. क्यों एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों साथ में आया? क्योंकि सारे पैसे एक साथ मंगाए गए हैं. अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो ट्रांसफ़र करते टाइम कुछ पैसे जाएंगे, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में. देखिए 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,20,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. इज दैट क्लियर? सो एक साथ पैसे मंगाते हैं प्रीमियम वाला, तो इस टाइप की एंट्री होती है. अब देखिए अगर यही डिबेंचर्स डिस्काउंट के साथ इश्यू किए गए हों, तो डिस्काउंट जो है वो कंपनी के लिए है एक्सपेंस, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस. डिस्काउंट के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट. कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट. एक्सपेंस है तो एक्सपेंस जो है वो होता है डेबिट, तो हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. देखिए एक सम जरा राइटिंग ऑफ, तो राइटिंग ऑफ तो बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं सम क्या कह रहा है. फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी इश्यूड 2008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्राइस ऑफ 80. 20 रुपये कम ले रहे हैं, ठीक है, तो 20 रुपये हो गया क्या डिस्काउंट. पर डिबेंचर ऑन विच फुल अमाउंट वॉज कॉल्ड अप एंड द सेम वॉज रिसीव्ड. देखिए पहली एंट्री तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2000 × 80 rupees, सो 1,60,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,000. नाउ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,60,000. जो 20 रुपये आपने डिस्काउंट दिया, उस डिस्काउंट के इफेक्ट यहाँ देंगे. सो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2000 × 20, 40,000 rupees एंड टू 8% डिबेंचर अकाउंट 2,00,000 rupees. सो दिस काइंड ऑफ जनरल एंट्री विल बी गिवन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर विद डिस्काउंट इफ फुल अमाउंट वॉज कॉल्ड अप. ओके, आगे चले. जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, देखिए क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 4. सो पंजाब लिमिटेड, जस्ट अ सेकेंड, यस पंजाब लिमिटेड इश्यूड 25,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच. द मनी पर डिबेंचर वॉज पेएबल एज अंडर 30 on application, 35 on allotment, 35 on fixed फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ऑल द डिबेंचर वर अप्लाइड. जोगिंदर द होल्डर ऑफ 800 डिबेंचर
पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट. ओके, तो इसने पूरे के पूरे पैसे स्टार्टिंग में ही भिजा दिए, पूरे के पूरे भिजा दिए मतलब अलॉटमेंट में भिजवा दिया और फर्स्ट कॉल भी भिजवा दिया. तो उसे हम बोलेंगे कॉल इन एडवांस. क्या कहेंगे? कॉल्स इन एडवांस. वेयर हरिजीत सिंह द होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल अमाउंट. मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जिसने एडवांस में पैसे भिजा दिए और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पैसे नहीं भिजाए. तो देखो, जिसने एडवांस में भिजाया उसके लिए लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस, जिसने पैसे नहीं भरे उसके लिए लिखते हैं कॉल्स इन एरियाज. ठीक है, ऑल द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड ऑन द रिमेनिंग डिबेंचर. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एप्लीकेशन कितने मिले. तो एप्लीकेशन नहीं लिखा है तो हमें 25,000 एप्लीकेशन मिल गए होंगे. सो हमें एप्लीकेशन के टाइम में कितना पैसा मिलेगा? सो 25,000 मल्टीप्लाई 30, 7,50,000. एडिशनली जोगिंदर 800 डिबेंचर है, उसने पूरा अमाउंट जो है एंटायर अमाउंट ऑन इज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट, चलो अलॉटमेंट में दिया है तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है. हमें कितना मिलेगा? 7,50,000. तो पहली एंट्री तो आ जाएगी आपको. देखिए पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 7,50,000. फिर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट 7,50,000 एंड 7,50,000. अब हम नोटिस भेजेंगे किसकी? अलॉटमेंट की. तो अलॉटमेंट के पैसे मंगाएंगे तो क्या एंट्री होगी? 11% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट. ठीक है, ये रहा, ये थर्ड एंट्री इस तरह इस टाइप से होगी, 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट. अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि आपको पैसे मिलने हैं 35 के हिसाब से, है ना. सो 25,000 इंटू 35 कर लीजिए आप कैलकुलेटर में, जिसमें 800 शेयर जो है उसने पेड एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट. मतलब उसने 35 रुपीज़ एक और एक्स्ट्रा पे कर दिया, उसके लिए हम लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस. तो कितना एडवांस मिला? 35 × 800, इतना आपको मिल गया एडवांस. अप्रॉक्सीमेटली होगा ये 7,000, 8 3 ज़ा 24 and 8 5 ज़ा 40, कर लेना कैलकुलेटर में, आई डोंट हैव राइट नाउ. ओके, वेयर हरिजीत सिंह द होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल. इसने पैसे नहीं दिए, तो इसने पैसे कितने नहीं दिए? तो 200 × 35, हाँ 7,000 इसने नहीं दिए. ओके, इसका होता है 7,000 × 200 × 35, 7,000 नहीं मिले. इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियाज. क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियाज. क्लियर? अब देखिए कितने पैसे मिल गए आपको, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए कैलकुलेटर से. तो टोटल पैसा आपको मिल गया 8,96,000, जिसमें जो पैसा नहीं मिला कॉल्स इन एरियाज उसके लिए हम लिख रहे हैं 7,000 रुपीज़. एंड टू 11% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर फेस वैल्यू पूरी पूरी जाएगी 8,75,000. टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, जिसने पैसा एडवांस भरा है 28,000. सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट विथ 8,96,000, कॉल्स इन एरियाज ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7,000, टू 11% डिबेंचर एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 8,75,000 एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 28,000. आगे फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल पे इस बार भी हमें ये भाई पैसा नहीं दे रहा है हरजीत सिंह. एक तो ये पैसा नहीं देगा और दूसरा कौन नहीं देगा? जोगिंदर भी नहीं देगा. क्यों? क्योंकि उसने तो एडवांस दे दिया है, तो एडवांस वाला भी नहीं देगा. पर पहले नोटिस तो भेजें. अगर हम नोटिस भेजते हैं तो एंट्री होती है उसकी इस तरह से, 11% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 8,75,000 टू 11% डिबेंचर अकाउंट 8,75,000. अब हमें पैसा कितना नहीं मिलेगा? तो जैसा कि मैंने कैलकुलेशन में बताया, ये दो लोग 7,000 और 28,000 नहीं मिलेगा. मिला कितना? 8,40,000. जो कॉल्स इन एरियाज था वो तो है ही, कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट 7,000, और जो कॉल्स इन एडवांस हमने क्रेडिट किया हुआ था यहाँ क्या कर दोगे? डेबिट. तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 28,000 टू 11% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 8,75,000. सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और इतना आपको समझ में आ गया है. अगर इतना समझ में आ गया है तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.